अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपके अपने चैनल अल केमिस्ट में है आपका केमिस्ट सजाद अहमद हाजिर खिदमत है 1000 प्रैक्टिकल आइडियाज़ वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में। आज एक छोटी सी फॉर्मूलेशन है अल्ट्रासाउंड जेल की, उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने 100 ml पानी लिया और 5% का सोल्यूशन हमने इसके अंदर कार्बोपोल का बनाना है और तकरीबन 2 से 3 ग्राम उसके अंदर हमने TEA ट्राई इथेनॉल अमाइन जो है वो हम इसमें डालेंगे। अब अपनी फॉर्मूलेशन की तरफ आते हैं और वन बाई वन स्टेप्स आपको देखिए। कार्बोपोल एक फ्री फ्लोइंग सा लाइट सा पाउडर होता है और ये पानी में हल होने में थोड़ा सा वायरल ट्रिकी है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। और ये 5 ग्राम अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। मैं अभी इसको अप्रोक्सीमेटी कर लेता हूँ और बाकी ये कि क्वांटिटीज़ इसी हिसाब से, किसी ने अगर बड़े बेच में इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो, ये मोर लेस क्योंकि थोड़ा लाइट होता है तो 1 स्पून इज़ नॉर्मली इक्वल टू 5 ग्राम, तो ये तकरीबन अब हमारा 5 ग्राम हो जाएगा। ये 5 ग्राम इसको अब पहले हमने डिज़ोल्व कर लेना है। जैसा हमने बताया कि इसको डिज़ोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी, कुछ क्वांटिटी इसकी डिज़ोल्व हो गई। हम हमारे यूट्यूब चैनल पे देखा जा सकता है कि इससे पहले भी हमने एक वीडियो कार्बोपोल की को डिज़ोल्व करने के बारे में दी हुई है और उसमें हमने यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि कार्बोपोल जब पानी के साथ मिलेगा तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, एक किस्म का जेल बनता है और वो जो एसिडिक उसकी नेचर होती है। और इसमें हम इसको जैसे ही कोई अल्कलाइन मीडिया, कोई न्यूट्रलाइजिंग एजेंट को इसमें देते हैं, जैसे TEA है ट्राई इथेनोलामाइन जो है, तो इसकी pH अल्कलाइन साइड पे आ जाती है। जी, इसकी pH हम पहले चेक कर लेते हैं कि इस वक्त जो ये सॉल्यूशन हमारा जो बना है, जेल बना है, इसकी pH क्या है। इसको पहले pH पेपर की मदद से, अगर pH मीटर हो उससे कर लें। और अभी कुछ पार्टिकल्स इसके अनडिज़ोल्व्ड हैं, उसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि एसिडिक मीडिया में ये अच्छा डिज़ोल्व नहीं होता। इस वक्त इसकी पीएच स्केल के मुताबिक तकरीबन 3 to 4 के बीच में आ रही है, 3 to 4 के बीच में। अब इसमें हम अल्कलाइन मीडिया न्यूट्रलाइजिंग के लिए इसको न्यूट्रलाइजेशन इसकी करेंगे, यानी कि 7+ pH 8+ pH पे इसको लेके जाना है। तकरीबन 2 ग्राम अभी हम इसके अंदर TEA ट्राई इथेनॉल अमाइन, तो ये एक अमाइन है। अमाइन्स नॉर्मली वोलेटाइल अमाइन्स, ये सारे के सारे हाई पीएच के प्रोडक्ट्स होते हैं। ये हम 2 ग्राम अप्रोक्सीमेट इसमें डालेंगे और फिर इसकी पीएच को देख लेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें। ही इसमें हमने TEA लगाया तो इसकी जेलिंग हो गई और बहुत अच्छी जेलिंग हो गई ये। और अब इसको इसकी इस वक्त हम pH चेक कर लेते हैं और बाकी इसकी थिकनेस जो है वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे कि कितनी थिकनेस इसकी हमने रखनी है। जी, अब तकरीबन इसकी pH हम स्केल पे चेक कर रहे हैं तो तकरीबन ये अब 7 pH तकरीबन ये न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर ये आ गया हुआ है। और अब ये चूँकि काफ़ी थिक किस्म का हमारा जेल बन गया तो स्टार्ट में हमने इसको 100 ml पानी लिया था और उसके अंदर 5 ग्राम हमने लगाया। अब चूँकि ये डिपेंड करता है कि हम ये वाला जेल उसकी थिकनेस कितनी रखनी है, तो इसको हम 5% से, यानी कि 3% पे भी ला सकते हैं, 2.5% पे भी ला सकते हैं। तो अभी हम इसको जो है, यानी कि 100 ml पानी इसके अंदर और एड अप करेंगे
और उससे यानी कि 100 ml हमने पहले लिया, उसके अंदर 5 ग्राम हमने लगाया कार्बोपोल, उसके बाद हमने तकरीबन 2 ग्राम जो है वो इसके अंदर हमने लगाया TEA ट्राइथनोलामाइन। और अब चूंकि ये थिक काफ़ी हो गया, pH हमारी न्यूट्रलाइज हो गई, न्यूट्रल pH पे है ये, लेकिन चूंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा थिक है, तो अब ये कि हम इसके अंदर 100 ml पानी और डालेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये 2.5% 2.5% का ये सॉल्यूशन हमारा होगा। 100 ml पानी और इसके अंदर अब हम एड ऑन कर लेते हैं और वो थोड़ा स्लोली कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। ये रिमेनिंग क्वांटिटी भी पानी की इसमें हमने सारी ऐड कर ली। जी नाज़रीन, अब ये एक अच्छी अपीरेंस में और जैसा नॉर्मली एक जेल इसका होता है, अल्ट्रासाउंड जेल, ये उस क्वालिटी में है। और इसको हर हॉस्पिटल की ये रिक्वायरमेंट है, और अल्ट्रासाउंड लाजमी बात है, हर तकरीबन मोरलेस हर ही छोटे बड़े हॉस्पिटल में उसकी सहूलत होती है। तो इस प्रोडक्ट को किया जा सकता है अपने ब्रांड के साथ, अपने नाम के साथ, लूज़ के साथ, और रिक्वायरमेंट है और तकरीबन एक रनिंग प्रोडक्ट होगा। तो जो दोस्त अहबाब हॉस्पिटल्स की लाइन के साथ कुछ सप्लाईज़ कर रहे हैं, तो वो एज़ पार्ट सप्लाईज़ के तौर पे भी तो इसको भी साथ प्रमोट कर सकते हैं, या जो स्पेशल इस फील्ड में आना चाहें उनके लिए भी एक छोटी सी फॉर्मुलेशन है। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे प्रोडक्टिव आइडिया के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।